हे दोस्तों, स्वागत करता हूँ मेरे इस YouTube चैनल पे। आज का मेरा टॉपिक है द टॉप 10 मनी इन्वेस्टिंग प्लान्स, ऑप्शंस और स्ट्रैटेजी। अमीर बनने के लिए ऐसे कौन से सही तरीके हैं जो आपको अमीर बना सकते हैं। उससे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन्वेस्टमेंट होती क्या है और क्यों ज़रूरी है। हम आपको पता है हम कौन से जरिए से पैसा कमा सकते हैं। पहला जरिया है, आप एक एम्प्लॉय होकर पैसा कमा सकते हैं। आप खुद का कुछ जॉब हो तो आप पैसा कमा सकते हो। सेकेंड थिंग, एक सेम एम्प्लॉयड होकर भी आप पैसा कमा सकते हैं, इसमें का कुछ छोटा मोटा बिजनेस हो। और थर्ड थिंग है, जो बिजनेसमैन है वो सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं। और चौथा है वो इन्वेस्टर है। तो इन्वेस्टमेंट ऐसा कौन सा जरिया है तो इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं। आपको पता होगा फैक्ट के जो स्क्रीन पे मैंने आप शो हो रहा है कि 95% के पास जितना पैसा लगे नहीं है उतना पैसा 5% लोगों के पास है जो इन्वेस्टर और बिजनेसमैन है। तो ऐसा क्या फंडे यूज़ करते हैं, यही फंडे हम जानने की कोशिश करेंगे इस टॉप इन्वेस्टिंग प्लान्स में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, और एंड तक बनी रहिए इस वीडियो में ताकि मैं अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहले नंबर पे आता है वो है म्यूचुअल फंड। ये सबसे दुनिया का सबसे बेस्ट पॉपुलर ऑप्शन है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए सबसे बेस्ट है। ये इनडायरेक्ट मेथड है, शेयर मार्केट के पैसे लगाते हैं। जो लोग शेयर मार्केट में एक्सपर्ट रहते हैं वो आपका पैसा लेते अच्छे अच्छी कंपनी पे म्यूचुअल खरीद के आपको वो कंपनी ग्रो होकर उसका प्रॉफिट मिलता है जो आपके साथ सबके साथ शेयर करते हैं। इसमें आपको अच्छा लॉन्ग टर्म रिटर्न अच्छा मिलता है, तो उसी का हम SIP कहते हैं। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन जो आपको करना ही चाहिए। सेकेंड थिंग आता है वो है शेयर मार्केट, उसी का हम इक्विटी शेयर कहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे ज़बरदस्त अमीर होने के, जो आजकल बहुत सारे लोग अमीर हो रहे हैं, यही वो शेयर मार्केट। लेकिन इसके लिए बहुत ये हाई रिस्क है, इसी के साथ इसकी नॉलेज होना भी ज़रूरी है। तो जैसे इतनी हाई रिस्क है उतना भी हाई रिटर्न्स भी मिलता है इसमें। जिससे आपको नॉलेज हो एक बार हो जाए तो आपने बहुत सारा इससे इस इन्वेस्टमेंट प्लान से बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन इसमें है कि जो आपका सरप्लस मनी है वही आप इन्वेस्ट करें। तो थर्ड नंबर पे आता है वो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, PF उसी को हम कह सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपका पैसा सेफ रहे ऐसा आपको चाहता है तो इन्वेस्टमेंट प्लान आपके लिए, तो आपके लिए बेस्ट मनी ऑप्शन से कह सकता है। इसका बेनिफिट ये है कि इसके ऊपर आप कोई भी गवर्नमेंट का टैक्स नहीं लगता 15 साल के लिए, ये आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कर सकते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये कि है कि एक बार जो पैसा लॉक हो जाता है 6 साल तक आप नहीं निकल सकते। इसी का एक ही डिसएडवांटेज है इस इन्वेस्टिंग प्लान का। तो फोर्थ नंबर पे आता है वो है पोस्ट ऑफिस स्कीम्स। इसमें आप अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के लिए देखना चाहते हो, आपका पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो और आपका पैसा सेफ भी रहे, तो ये ऑप्शन आपके लिए है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। ये क्या सेफ क्यों है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट उसको कनेक्ट करता है, तो इसमें बहुत ही लो रिस्क इन्वेस्टमेंट है ये, और रिटर्न भी इतना अच्छा। एवरेजली इन्वेस्टमेंट आपको 8.5% से और 9% से आपको रिटर्न भी इसमें मिलता है। तो ये था चौथा पोस्ट ऑफिस स्कीम। और फिफ्थ नंबर पे आता है वो बैंक FDs, बैंक का फिक्स डिपॉजिट। इसमें भी आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें भी ये भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि अलग अलग बैंक का अलग अलग इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको FD देती है। तो अगर आपका पैसा बैंक में सेफ हो, अगर मॉडरेट रिटर्न आपको चाहिए, तो ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। जो आपको स्क्रीन पे जैसे दिख रहा है कि बैंक में सेविंग होने वाले अधिक ऑप्शंस आपको बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो छठे नंबर पे आता है वो है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, उसी को हम IPO कहते हैं। ये थोड़ी अलग टाइप की इन्वेस्टमेंट है, बाकी अदर मैंने अभी डिस्कस की 5 में से वो थोड़ा सा अलग है। क्योंकि ये क्या होता है, जब भी कोई भी नया स्टार्टअप होता है, नई कंपनी खुलती है, तब क्या होता है वो पब्लिक को बोलती है कि हमारा शेयर्स ले लो और कुछ इन्वेस्टमेंट करो। अगर लॉन्ग टर्म में वो इनके स्टॉक एक्सचेंज में आ गए तो उसका वही आपको शेयर्स आप इंक्रीज होके जाता है, आपको बहुत सारा हाई रिटर्न मिलता है। लेकिन इसके लिए आपको इंडस्ट्री का बहुत अच्छी नॉलेज होना चाहिए, और इसी के साथ आपको उसकी डीप नॉलेज होने से आपको कौन सी कंपनी ग्रो करने वाली है, डीप नॉलेज, ये सब नॉलेज होना चाहिए। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसके आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितनी नॉलेज है। तो 7th नंबर पे आता है वो रियल एस्टेट। ये इन्वेस्टमेंट का सबसे बहुत ही अच्छा खास रिटर्न देने वाला अभी तक का सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जो पहले लोग खरीदते हो, आपको एक प्रॉपर्टी लेके किसी रेंटल दे सकते हैं, एक शॉप लेके उसको रेंट कर सकते हो, उसके आप एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो और उसका आप बेनिफिट ले सकते हो। 8th नंबर पे आता है वो लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आपको अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग होनी है करनी है, अगर आपका अच्छा फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बनाना है, तो ये आपको ही करना ही होगा। ये दोनों इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत ही अच्छे फायदेमंद होते हैं। जब आपका एज हो तभी आपको बहुत ही अच्छा उसका वैल्यू और इम्पोर्टेंस पता चलता है। तो
आप भी 500 रुपये से मैक्सिमम 5 से 6 करोड़ तक इतना आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। तो चौथ 9th नंबर पे आता है वो गोल्ड। ये सबसे पुरानी इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। इसमें आप पहले क्या करते लोग लेके उसको सोने को रख सकते थे उस पर ऊपर रिटर्न, लेकिन आप डिजिटली वो सोना आप रख सकते हो। उसका एक स्कीम है सेवेरियन गोल्ड बॉन्ड, इस स्कीम को आपको ख़रीद लेना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। कुछ अदर स्कीम भी रहती है जैसे गोल्ड म्यूचुअल फंड, गोल्ड बार, ये सब उसमें आता है। और जो मेरा लास्ट वाला है वो है गवर्नमेंट बॉन्ड एंड गवर्नमेंट स्कीम। ये भी गवर्नमेंट की तरफ से अलग अलग इन्वेस्टिंग बॉन्ड जो आपके पैसे लेकर गवर्नमेंट दूसरे कंपनी को देती है और कंपनी प्रॉफिट होने वो आपको प्रॉफिट आपके साथ शेयर करती है। ये भी वेरी गुड ऑप्शन है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट उसको कंडक्ट करता है, तो आपको पैसा डूबने की कोई चांसेस नहीं है, सेफ है। तो ये थे मेरे सबसे दुनिया के सबसे सही तरीके और मेरे भी सबसे टॉप इन्वेस्टिंग प्लान है। तो मुझे कमेंट में ही ज़रूर बताएं कि आपका इन्वेस्टिंग इनमें से कौन सा इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा लगा, और अगर इन्वेस्टमेंट आप करते हो तो इनमें से कौन से प्लान पे इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे और आपका कौन सा अभी चल रहा है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो सबके साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।